हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें हम लोगों ने बात करा था कि हम में से कुछ लोगों के पास एक ये मेल आ रहा है और इस मेल का सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ शॉर्टपेड लेट फी। और इस मेल में ये बोल रहे हैं कि कुछ पीरियड के लिए डिपार्टमेंट ने GSTR 3B और GSTR 4 का जो लेट फी है उसमें हमें रिलैक्सेशन दिया था। और रिलैक्सेशन देने के दौरान हुआ क्या कि कुछ लोगों ने जो टाइम पीरियड बांधा गया था कि इस पीरियड में अगर आप रिटर्न फाइल कर लेंगे तो ही आपको लेट फी का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कि या तो वेव हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो बहुत से लोगों ने तो उस पीरियड में अपना रिटर्न फाइल कर लिया, लेकिन कुछ लोगों ने उस पीरियड के पहले या फिर उसके बाद अपना रिटर्न फाइल किया और इसके बावजूद भी सिस्टम ने जितना लेट फी कैलकुलेट करना था उससे कम लेट फी कैलकुलेट किया। और अब ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हमने कम लेट फी कैलकुलेट किया था तो अब जो बकाया लेट फी है तो आप हमें दे दीजिए। बहुत ही गलत बात है। एक तो मान लीजिए कि सिस्टम से गलती हुआ तो गलती इनको तुरंत सुधार लेना चाहिए ना। आज 3 साल बाद इनको अपनी गलती का एक तो एहसास हो रहा है और ऊपर से ये लोग बिल्कुल मतलब कि शर्म को धो के ये अपना लेट फी मांग रहे हैं। मान लीजिए उसके बाद से बहुत सारे कांड इन्होंने भी तो किए हैं बट उसका कुछ नहीं, अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो फिर ये सारा लेके रहेंगे। अब ये लेट फी मांग रहे हैं। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था उसको हमने एक पॉइंट पे खत्म किया था कि अब ये मेल तो आ गया है, मेल में कहीं कोई सेक्शन या फिर कुछ नोटिस जैसा नहीं है, तो ये पे करना है कि नहीं करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। ऐसा करके हमने पिछला वीडियो बंद कर दिया था। तो आज उसी वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है कि अब करना क्या है, ये जो लेट फी है इसका क्या हुआ एक्चुअली और कैसे इसका पेमेंट करना है। तो देखिए हुआ क्या है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में सबको पता है, ये लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस गए हुए थे कि इसको एक बार देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए और वेव किया जाए, खत्म किया जाए। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन डिपार्टमेंट मानने को तैयार नहीं है। बोल रहे हैं कि नहीं, जितना मेल में हमने बकाया लेट फी लिख के भेज दिया है उतना लेट फी आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि जिनको जिनको भी ऐसा मेल आया है शॉर्ट पेड लेट फी का, वो अपना मेल खोलिए और बैलेंस अमाउंट ऑफ लेट फी टू बी पेड का जो टोटल वाला रो है उसको देखिए। जितना लेट फी आपको दिख रहा है CGST और SGST में, ये आपको पे करना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब आगे आगे इन्होंने ये भी बोला था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि मेल मिलने के 30 दिन के भीतर DRC 03 के द्वारा आपको इस अमाउंट का पेमेंट कर देना है। अगर मेल मिलने के 30 दिन के अंदर आप DRC 03 के द्वारा इस अमाउंट का वॉलंटरी पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये क्या करेंगे कि आपका अगला जो भी अब GSTR 3B फाइल करना होगा या फिर GSTR 4 होगा या फिर GSTR 10 होगा, मतलब कि फाइनल रिटर्न, उसमें ये लोग आपके इस बकाया लेट फी को ऐड कर देंगे। और फिर तो आपको मजबूरी में करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको तो अपना करंट जो भी रिटर्न है उसको फाइल करना ही है। तो ये बात है। अब बात ये आती है कि इसको हम लोग DRC 03 के जरिए फाइल करें या फिर GSTR 3B या फिर 4 या फिर 10 के जरिए फाइल करें। तो मेरे हिसाब से DRC 03 के जरिए ना ही करिए। क्यों? क्योंकि GSTR 3B या फिर 4 या फिर 10 फाइल करने में हमारे पास अभी भी टाइम है। अगर जनवरी के ही GSTR 3B की बात करें तो हमारे पास 20, 22 और 24 तक टाइम है। GSTR 4 में तो अभी बहुत टाइम है। GSTR 10 केस टू केस आपका टाइम होगा जिसका जब कैंसिलेशन अप्रूव हुआ है। तो अब क्या है कि पेमेंट तो करना ही है तो इतना जल्दी हमें भी क्या है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये लेट फी है, लेट फी पे दोबारा लेट फी या इंटरेस्ट थोड़ी लगाएंगे, वो उतना ही रहेगा। और इसके बीच में हमें थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। टाइम ये मिलेगा कि अभी भी कुछ और रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट के पास गए हुए हैं, हो सकता है, होना होना कुछ नहीं है, इनका क्या इरादा बदलेगा, ये लोग लेके ही रहेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। जो पैसा हमें आज खर्च करना है उतना ही पैसा अगर हमें 15 दिन बाद खर्च करना है तो फिर हम 15 दिन बाद ही क्यों ना खर्च करें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप समझ रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3B के जरिए ही या फिर जो भी आपका नेक्स्ट ड्यू रिटर्न है 3B GSTR 4 या फिर GSTR 10 उसके जरिए ही करेंगे, करना ही है, ये क्लियर है। तो आई होप कि जितने लोग मेरे ओपिनियन का इंतजार कर रहे थे उनको ये क्लियर हो गया होगा कि इसको पे करना ही है। तो आई थिंक कि अब सब चीज़ क्लियर है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।